गुरु गोविंद खड़े तुका के लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी तो गोविंद दियो बता। नीलांजन समाव भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायावार्तन शंभुतम तम नमामि शनेश्वरम। ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। 1 जून 2014 और रविवार का दिन है, और आज जिनका जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह है उनको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे और देवाधिदेव शनिदेव आप पर मेहरबान रहे। प्रभु से मेरी प्रार्थना और आप मेरा आशीर्वाद आपके साथ। 1 जून आपका जन्मदिन है या आपकी शादी की सालगिरह है और आपके जीवन में कहीं परेशानी है, चाहे वो कैरियर को लेकर है, चाहे व्यापार को लेकर है, चाहे परिवार को लेकर है, या स्वास्थ्य को लेकर, या समाज में किसी भी प्रकार के आपके साथ उठापुटक हो रही है, तो ये उपाय आप जीवन पर्यंत करिएगा, जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगी। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम अपने इष्ट देवता का आगे घी का दीपक जलाए। भगवान सूर्य देव को गंगा जल और कच्चा दूध मिलाकर जल अवश्य चढ़ाए। तत्पश्चात किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को दही और चावल का दान दीजिए, ये जीवन का हिस्सा बना दीजिए, जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। आज रविवार का दिन है और रविवार के दिन भुवन भास्कर सूर्य की आराधना का दिन है। प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही, प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली, मान सम्मान की प्राप्ति नहीं, वर्चस्व में बढ़ोतरी नहीं, राजनीतिक सफलता नहीं है, ऐसी अवस्था में भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अपने पूजा घर में देसी घी का दीपक जलाइए और हर रोज ओम घनाय नमः, ओम घनाय नमः इस मंत्र का जाप करने से जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमः। और बात करते रविवार के पंचांग की। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी विक्रम संवत 2071 रविवार का प्रातकालीन नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र चंद्रमा मिथुन राशि में। रविवार का राहुकाल शाम 4:30 लेकर 6 बजे तक, और राहुकाल धन शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया, ये सलाह मेरी है और ये मर्जी आपकी है। न मना रहे। अब मैं आपको नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में ले चलता हूँ, क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं रविवार की राशि। सबसे पहले मेष राशि, समय उत्तम है, कारोबार और राजनीतिक के क्षेत्र में मेष राशि वालों आज रुतबा बढ़ेगा, रुके हुए सरकारी काम पूरे होंगे, उच्च अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, भूमि और वाहन के कार्य में लाभ होगा और मान सम्मान और अधिकार बढ़ेगा। बहुत सुंदर गोचर है, कारोबार में सफलता है, राजनीति के क्षेत्र में सफलता है, आज सरकारी अधिकारियों से मेल मिलाप बहुत अच्छा है, और साथ ही भूमि और वाहन की प्राप्ति का भी प्रबल योग है। क्या करें, थोड़ा सा सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करना हित कर रहेगा, क्या ना करें तो महत्वपूर्ण कार्य में आज किसी को भागीदार ना बनाए। न मना रहे। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, गणनाओं की बात करने जा रहा हूं और गणनाएं ये संकेत दे रही है कि मनोकामना की पूर्ति के लिए विशेष परिश्रम की आवश्यकता होगा। बिना विशेष परिश्रम किए मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं होगी, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। कार्य क्षेत्र में संयम बनाए रखना उचित होगा। थोड़ा सा संतान की शिक्षा और व्यवस्था की चिंता है, उस पर ध्यान दे दिए तो समय अच्छा बीतेगा। हाँ, आज यात्राओं का योग, यात्रा चाहे कारोबारी हो चाहे धार्मिक, सफलता अवश्य मिलेगी। क्या करें, किसी बीमार व्यक्ति की सेवा करने से आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, क्या ना करें, व्यर्थ के सैर सपाटे में समय नष्ट ना करें। नमन में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल और शुभ है, आज आपके अधिकारों में वृद्धि होगी, पारिवारिक चिंता से मुक्ति मिलेगी, अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मायूसियां समाप्त होगी, कारोबार में उन्नति के अवसर मिलेंगे,
चित्त प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार रहेगा। गोचर अनुकूल लाभदायक है। क्या करें, यदि आप अपनी इच्छित वस्तु में पूंजी निवेश करना चाहते हो तो समय अनुकूल है, आप खरीद सकते हैं। क्या ना करें, स्वजनों के हित की अनदेखी ना करें। नंबर 9 में बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, गोचर ये कह रहा है कि थोड़ी सी सावधानी। सचेत करने के लिए आता हूं, माना और नहीं माना आपका काम है, क्योंकि गोचर ये कहता है कि आज सितारों की चाल आपके साथ खड़ी नहीं है, सितारे आपके पक्ष में करवट नहीं ले रहे, सितारे प्रतिकूलता का संकेत दे रहे हैं। आज दैनिक दिनचर्या में लापरवाही ना बरतें, स्वास्थ्य खान पान की प्रति थोड़ा सा सावधान रहे, और कामकाज में आज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज व्यर्थ की भागदौड़ और परेशानी बढ़ सकती है। आज साथ नहीं मिलेगा। आज की सफलता के पीछे एक मूल सूत्र और है, वाणी की अनुकूलता। यदि आप अपनी वाणी अनुकूल रखेंगे तब थोड़ा सा दिन अच्छा बीतेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कर्क राशि, भावनाओं में बैठकर निर्णय नहीं ले, बिना सोचे समझे किसी की मध्यस्थता नहीं करें, और अनैतिक कार्यों से दूर रहना बहुत जरूरी होगा। क्या करें, थोड़ा सा स्वजनों को साथ लेके चले, स्वजनों का सहयोग करें, उनको साथ लेके चले। क्या ना करें, आवश्यकता से अधिक खरीदारी ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, गोचर संकेत दे रहा कि आज शुभ कार्य संपन्न होंगे, कार्यों में सफलता मिलेगी, लोग आपका सम्मान करेंगे, कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व बना रहेगा, साहस और पुरुषार्थ बढ़ेगा, आयात और निर्यात संबंधी कार्यों में उन्नति होगी, आर्थिक लाभ की इच्छा पूरी होगी, क्योंकि गोचर संपूर्ण आपके सहयोग में खड़ा है। क्या करें, नए लोगों से कारोबारी मित्रता करना उत्तम रहेगा। क्या ना करें, बस उधार लेन देन ना करें। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत। सितारे संकेत दे रहे कि आज धन लाभ होगा, देश विदेश से कारोबारी समन सुधरेंगे और देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और दाम्पत्य जीवन अनुकूल बना रहेगा, धन लाभ होगा, ये ध्यान रखना आज। लेकिन इसके पीछे कारण है, क्योंकि आज जीवन बड़ा बैलेंस है, जिस तरह की सकारात्मक सोच है, जो विचारों में परिवर्तन आया उससे कार्य सफल होंगे और मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। समय शुभ है और अनुकूल है। क्या करें, स्वनिर्णय से कार्य करें। क्या ना करें, तो चुनौतीपूर्ण स्थिति से न घबराएं। जो सिचुएशन है चुनौतीपूर्ण, उस चुनौतियों का आज से लड़ना बहुत जरूरी, उसे घबराएं ना। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, गोचर ये संकेत दे रहे कि थोड़ा सा सावधानी से काम करना पड़ेगा। गोचर मध्य में खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, जल्दबाजी से बचना होगा, कार्यक्षेत्र की स्थिति मध्यम है, आय और व्यय सम्मान है, घरेलू जिम्मेदारियों को निर्वाह करने में आप सफल जरूर होंगे, लेकिन खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी, लेन देन के मसले होंगे, अपनों का भी साथ मिलेगा, लेकिन बहुत ही मध्यम गति से चलना होगा। आज कार्यों को लेकर यात्राओं पर जाना पड़ सकता है, धर्म की डगर की यात्रा भी नजर आ रही है, तो समय अच्छा है, लाभ है, प्रसन्न राशि भरा, कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्या करें, वरिष्ठ व्यक्तियों का सम्मान करें। क्या ना करें, अध्ययन के क्षेत्र में लापरवाही ना करें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, गोचर की बात करें, अनावश्यक क्रोध सारा दिन आपका खराब कर देगा, अपने क्रोध पर काबू रखें, अपनी वार्ताओं को गुप्त रखें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आज नवीन योजनाएं सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है, वाद और विवाद से हानि उठानी पड़ सकती है, कारोबार के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सितारों की चाल आज आपको साथ नहीं दे रही, लेकिन आप क्यों भयभीत, जब दाती महाराज आपके साथ है। दो काम और करिए, पारिवारिक आवश्यकताओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या करें, तो पारिवारिक आवश्यकता पर थोड़ा ध्यान, और दूसरा है क्या ना करें, तो अधिकारी वर्ग से मतभेद ना रखें। ये दो उपाय के साथ साथ ओम हम पवनंदना स्वाहा इस मंत्र का जाप घर में देसी घी का दीपक जलाइए, श्रद्धा अनुसार करिए, और गरीब को भोजन कराएगा, समय में तकलीफ नहीं आएगी ज्यादा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय शुभ और संपूर्ण ग्रहों की दृष्टि भी शुभ है, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, परिवार में शुभ समाचार की प्राप्ति और सारा दिन पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहे, कारोबार के क्षेत्र में सुधार होगा, कारोबार में नए ऑर्डर नए टेंडर से विशेष लाभ होगा, आज सरकारी अफसरों से काम करवाने में आप सफल होंगे। ग्रहगोचर शुभ दृष्टि युक्त है और हर दृष्टिकोण से समय आपके लिए अच्छा है।
क्या करें, जो कार्य अधूरे पड़े हुए हैं धनराशि वालों, पहले उसको पूरा करें। क्या ना करें, तो अनावश्यक खरीदारी ना करें। नमन। और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों गोचर सार्थक फलों का संकेत दे रहे हैं। कार्य में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। अनुजों की सफलता के लिए भी किए गए प्रयास सार्थक होंगे। शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। घर परिवार की स्थिति बड़ी सुंदर और बड़ी ही संतुलित रहेगी। अपनों का सहयोग मिलेगा। जो निर्मूल शंका है, जो वाद विवाद है, जो व्यर्थ का तनाव है, वो दूर होगा और परिश्रम से आज हर कार्य सफल होगा। वैसे ग्रहगोचर की शुभ दृष्टि से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। काम बनेंगे जरूर आज। क्या करें, पारिवारिक सहयोग से कार्य करें। क्या ना करें, यात्राओं में लापरवाही ना करें। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों समय थोड़ा सा मध्यम है और मध्यम समय में थोड़ा सा धैर्य का परिचय देना होता है, मेहनत करनी होती है। लेकिन गोचर यह संकेत रहा कि उत्साह और साहस में कमी होने में थोड़ा सा वो लाभ नहीं मिल पाएगा जो मिले, इसलिए साहस और उत्साह में वृद्धि रखें। दूसरा, नौकरी के क्षेत्र में संयम बरतने की आज आवश्यकता होगी। स्वार्थवश कोई कार्य न करें। पारिवारिक सहयोग से आवश्यक जिम्मेदारी को पूरा करने में आप सफल होंगे, लेकिन आज थोड़ा सा सचेत रहना है, मेहनत करनी है, परिश्रम करना है, संतुलित रहना है और अपना हक नहीं छोड़ना है। क्या करें, अपने उत्तरदायित्व के प्रति सचेत रहें। क्या ना करें, भूमि और मकान संबंधी सौदा आज ना करें। न मना रहे। और बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि सितारों की चाल ठीक संकेत दे नहीं रही है। निजगत कर्मों की वजह से आज कारोबार के क्षेत्र में बाधा और अपनों से धोखा मिलने की प्रबल संभावना। आज किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करें। थोड़ी सी धन की कमी है, इसलिए खर्चा सोच समझ कर करें। आज भाई बंधुओं से कलह हो सकता है। गुप्त कार्य और गुप्त संबंधों से मान सम्मान की हानि और मानसिक तनाव, और सुबह से लेकर शाम तक मीन राशि वालों गोचर इसी तरह का है। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। आज अपने हाथ से चने की दाल गरीब और निर्धन लोगों को दान में दीजिएगा, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें, कानून के दायरे में रखे कार्य करें। क्या ना करें, तो राजनीति के क्षेत्र में कोई जोड़ तोड़ के चक्कर में ना पड़े। न मना रहे। ये तो 12 के 12 राशियों का राशिफल जो ग्रहणों पर आधारित है। पुनः एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, ये मेरा निजी अनुभव है। सेकेंड ओपिनियन लेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं जो कह रहा हूँ ये सही है, मैं नहीं मानता। न मना रहे। और एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जीवन की ही हर दर्द हर परेशानी हर मुश्किलों का हल है देवादि देव शनिदेव और श्री शनि धाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर। मेरी तीर्थ स्थली है, मेरी साधना की स्थली है। कुतुब मीनार से थोड़ा सा आगे 7 या 8 किलो आगे असोला की पावन भूमि में ये अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है, श्री शनि धाम शनि तीर्थ क्षेत्र। आइए करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तिलाभिषेक, आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानियों का निवारण। शनिवार के दिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। वे लोग जो मुझसे मिलना चाहते हैं शनिवार के दिन, वे 9717457565 इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी हासिल कर दें, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बात करते हैं रविवार के उपाय की। संतान की रुचि यदि पढ़ाई में नहीं है, आपकी संतान का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, आपकी संतान का स्वभाव बड़ा जिद्दी है, तो संतान के अध्ययन कक्ष में ईशान कोण में गणपति की मूर्ति या गणेश यंत्र स्थापित करने से बहुत लाभ मिलेगा। न मना रहे। और बात करते हैं आज की दाती गुरु मंत्र की। और गुरु मंत्र में इतना ही कहना चाहूँ, रिश्ते कितने भी खराब क्यों नहीं हो, तोड़ने नहीं चाहिए। रिश्ते कितने भी खराब हो, तोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि पानी कितना भी गंदा होगा, प्यास नहीं तो आग जरूर बुलाएगा। न मना। और बात करते हैं आज के सुझाव की। बहुत ज़रूरी है, बड़े ध्यान से आज का सुझाव आप देखिएगा, क्योंकि जो कहने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी है। आज रविवार का दिन है और आज के दिन आप चाहते कि सुकून और शांति से सारा दिन बीते, आप चाहते आपको अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तो आज के दिन अपने स्नान करने वाले जल में जल, गंगा जल, दुर्वा और थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर लाल चंदन मिलाकर भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए स्नान करने के उपरांत सब कार्य करें, सफलता अवश्य मिलेगी। नमन। आज इतना ही। कल के लिए है जन्मदिन और शादी की सालगिरह, तो क्या है उपाय, साथ ही कारोबार में विघ्न निवारण के लिए बात बताऊंगा। लेकिन कहना चाहता हूँ, कुछ भी छूट जाए तो www.shanidham.in पे चले जाइए।
मेरे साहित्य के लिए जो किताबें मैंने लिखी, या दातिक गुरुमंत्र जन्मकुंडली घर बैठे मंगवाना चाहते हो तो 9910692001 या 9414124600 www.shanidham.in और मेरी फेसबुक श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र, इन दोनों पे आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो आपको सारी जानकारी मेरी मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। आज इतना ही, नमस्कार।